हेलो क्लास, आपके आज कंप्यूटर की बुक, आपके नेटवर्क कंप्यूटर में से हम आपका चैप्टर वन कर रहे थे, एन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। उसमें हमने आपके दो एक्टिविटीज़ कर ली थी, ट्रू फॉल्स एंड टिक द राइट ऑप्शंस। अब उसी के नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू करेंगे, चूज़ द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आइए रीड आउट करें। डैश वॉज डेवलप्ड बाई ग्रेस हॉपर। ग्रेस हॉपर के द्वारा कौन सा कंप्यूटर डेवलप किया गया था? यहाँ पे आपको आगे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एनालिटिकल इंजन और IBM मार्क वन। तो हमारा सही ऑप्शन है IBM मार्क वन, तो उसे हम फर्स्ट नंबर पे फिल कर देंगे। सेकेंड है, द डाटा प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर इज डैश परसेंट एक्यूरेट। तो हमने ये पढ़ा था कि जो डाटा कंप्यूटर प्रोसेस करता है वो क्या 100% एक्यूरेट होता है, तो हम इसमें 100% फिल कर देंगे। थर्ड स्टेटमेंट है, कन्वर्जन ऑफ रॉ डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डैश। आगे ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोसेसिंग और रिजल्ट। जो कंप्यूटर आपको, आप इनपुट जो उसमें करते हैं उसको प्रोसेस करके जो आपको रिजल्ट देता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। वो प्रोसेस करता है ना, तो उस पूरी प्रक्रिया को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो हम इस थर्ड ऑप्शन में प्रोसेसिंग को फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। हमने चैप्टर में पढ़ा था फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज इसका सही आंसर है। तो हम इसके आगे चार्ल्स बेबेज लिख देंगे। सेकेंड है, नेम द डिवाइस विच प्रोसेस डाटा इन द कंप्यूटर। जो डाटा को प्रोसेस करता है कंप्यूटर में उनका क्या नाम होता है, उन्हें प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। ओके, तो हम इसके आगे प्रोसेसिंग डिवाइस लिख देंगे। और थर्ड है, व्हाट इज डाटा। डाटा किसे कहते हैं, जो हम इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स जो देते हैं, रॉ फैक्ट्स और फिगर्स हम उसमें इनपुट करते हैं उसे कहते हैं ना, तो हम इसके आगे लिखेंगे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसे डाटा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आपकी बी एक्सरसाइज है शॉर्ट आंसर टाइप। ऊपर आपको ये तीन क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसे हम वाइट बोर्ड पे समझेंगे। तो हम पहले इसे वाइट बोर्ड पे क्लियर करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन IPO साइकिल। हमने आपको एक IPO साइकिल का स्ट्रक्चर बनाने को भी दिया था, अगर आपने उसको अंडरस्टैंडिंग करके उसको समझ कर बनाया होगा तो आप इसे समझेंगे। तो हम इसका आंसर देखते हैं, IPO stands for Input Processing Output। In IPO cycle, data and instructions are entered, they are processed, stored and finally the result is given out। IPO cycle के क्या कहलाता है, I मतलब input, P मतलब processing और O मतलब output। IPO cycle में क्या है, जो हम instructions देते हैं, इनपुट करते हैं, उनको प्रोसेस कर कर जो रिजल्ट आता है आउटपुट, वो पूरा साइकिल, जो पूरी ये प्रक्रिया होती है उसे IPO साइकिल कहते हैं। ओके, आपका सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वेल यू डिफाइन द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को कितने अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, तो हम अपने आंसर्स में कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं। कंप्यूटर इज अ हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन with 100% accurate result। जैसे आपको स्टेटमेंट में ही समझ में आ रहा है कंप्यूटर क्या है, बहुत हाई स्पीड में काम करने वाली, बिजली से चलने वाली प्रोसेसिंग मशीन होती है जो हमें 100% accurate result देती है बिना किसी गलती के। यहाँ पे अगर आपको ये दिखाई देगा डाटा के बाद प्रोसेसिंग अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो ये इसका स्पेलिंग है PROCESSING, प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो इसको आप नीट एंड क्लीन अपने नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। ओके, थर्ड है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज ENIAC। हमने पढ़ा था आंसर देखें, ENIAC वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्वेंटेड इन 1946। ये ऐसा पहला बिजली से चलने वाला कंप्यूटर था जो 1946 में बनाया गया था। The full form of this machine is Electronic Numerical Integrator and Computer। इसका full form क्या है, Electronic Numerical Integrator and Computer।
तो ये तीनों और पहले वाली एक्सरसाइज जो अभी आपको करवाई है फिलिंग द ब्लैंक्स और शॉर्ट आंसर टाइप, अपनी नोटबुक में प्लीज़ बच्चों होमवर्क कंप्लीट करें एंड नीट एंड क्लीन करें। नीट एंड क्लीन होमवर्क ही चेकआउट होगा अच्छे से। और इसके आगे वाली जो ये एक्सरसाइज है जो आपको दिखाई दे रही है जिसमें कलर करना है, ये आपको बुक में ही करना है। तो कैसे करना है ये हम समझेंगे। इसमें आप ऊपर देखेंगे लिखा है फिल द करेक्ट वर्ड एंड सेलेक्ट द शेप टू द कंप्लीट द पिक्चर, यू कैन कलर इट इफ़ यू फिनिश सक्सेसफुली। अगर आप देखेंगे तो ये आपको नीचे एक कंप्यूटर का पिक्चर दिया गया है जो मैंने यहाँ पे कलर करके आपके लिए रखा हुआ है। हमें ऊपर के ऑप्शंस के हेल्प के साथ इसे फिल करना है। कैसे तो आप हम बताते हैं। ए ऑप्शन देखें, द नेम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज, नीचे तीन ऑप्शन दिए गए हैं तो हमारा सही ऑप्शन है ENIAC। तो ENIAC में क्या बना हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है, हम उसको कलर करेंगे। और ए ऑप्शन में ट्राइंगल बना हुआ है और आप नीचे यहाँ देखेंगे कंप्यूटर में जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ पे भी मैंने ब्लू कलर किया है। तो हम इस तरीके से शेप्स को मैच करके हम मैंने इस पे भी ए ब्लू कलर किया है और ये वाला शेप में भी ब्लू कलर हम करेंगे। इस तरीके से हम कलर करके ऊपर के ऑप्शंस को नीचे वाली पिक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज़, हमने जैसे पढ़ा था मॉडर्न कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। अब उसमें जो ये ट्राइंगल दिया गया है उसको मैंने कलर किया है और देखिए बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन का सही आंसर है ना। तो इसका शेप भी यहाँ बी लिखा हुआ है वहाँ हम कलर कर देंगे सेम। सी में है फ्यूचर कंप्यूटर कैसे होंगे, रॉबर्ट्स, सही ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट। तो यहाँ पे जो ये आपका रेक्टेंगल बना हुआ है इसको मैंने ऑरेंज कलर किया है, तो ये सी में ऑरेंज कलर हुआ है। तो यहाँ देखिए ये जो सी लिखा है यहाँ मैंने ऑरेंज कलर फिल कर दिया है। डी है कन्वर्जन ऑफ रॉ डाटा इनटू यूजिंग इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज, जो हम रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं ना, प्रोसेसिंग। डी ऑप्शन में प्रोसेसिंग आ जाएगा। तो ये ओवल शेप में जो ग्रीन कलर किया है डी ऑप्शन में ग्रीन कलर होगा। तो ये देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन ओवल शेप दिया है, इसमें भी आप ग्रीन कलर करेंगे। ई है द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इज IBM। तो यहाँ पे सही ऑप्शन IBM है। ई में ये जो आपको बी ऑप्शन दिखा है IBM में मैंने पिंक कलर किया है, मर्जेंटा पिंक, तो हम यहाँ भी ई में पिंक कलर कर देंगे। एफ है प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, हमने आपको बताया था पलक झपकते ही वो प्रोसेसिंग कर देता है कंप्यूटर। तो हमारा ये ए ऑप्शन MIPS इज़ द राइट ऑप्शन। ये रेक्टेंगल जो बना हुआ है इसमें येलो कलर किया है, एफ में रेक्टेंगल इज येलो कलर, तो यहाँ पे एफ में रेक्टेंगल जो नीचे आपको पिक्चर है इसमें भी येलो कलर हो जाएगा। एंड द लास्ट जी ऑप्शन देखेंगे, रॉ फैक्ट्स आर नोन एज, रॉ फैक्ट्स को क्या कलर कहा जाता है, डाटा। तो ये जो स्क्वायर बना हुआ है इसमें मैंने पर्पल कलर किया है, तो यहाँ पे भी जो जी में पर्पल कलर हो जाएगा। इस तरीके से आप ऊपर के ऑप्शंस में जो कलर फिल करेंगे, ज़रूरी नहीं है आप यही कलर करें, आप अपने हिसाब से भी कलर कर सकते हैं, लेकिन जो आप ऊपर ऑप्शंस में कलर फिल करें वही आप नीचे अपने पिक्चर में कलर करेंगे। इस तरीके से आप नीट एंड क्लीन ये एक्टिविटी बुक में ही करेंगे और बाकी की एक्टिविटीज़ जो हैं वो नोटबुक में नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका होमवर्क कम्प्लीट नेक्स्ट वीक तक। ओके, थैंक यू।